अतिक्रमण और अव्यवस्थित यातायात के मुद्दे रहे हावी। पुलिस जन संवाद का है मामला। SDO भी बोले साइबर स्कैम और बच्चों की एक्टिविटी पर रखे नजर। पचोर शहर में रविवार को सामुदायिक पुलिसिंग के अंतर्गत आम नागरिकों के बीच जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आम नागरिकों ने अपनी समस्याएं बताई और पुलिस ने उन्हें सुलझाने का प्रयास भी किया। साथ ही साइबर क्राइम और सोशल मीडिया से जागरूकता संबंधित जानकारी SDOP ने जनता को समझाई। रविवार को आयोजित जन संवाद में SDOP अरविंद सिंह और थाना प्रभारी ने आम नागरिकों की समस्याएं सुनी, जिसमें प्रमुख रूप से अतिक्रमण का मुद्दा हावी रहा। कार्यक्रम सामुदायिक पुलिसिंग का था और मुद्दे निकाय से संबंधित ज्यादा उठाए गए, जिनमें कांग्रेस प्रदेश महिला महासचिव नीलू दुबे ने टेंशन चौराहे पर अव्यवस्थित यातायात की समस्या उठाई, जबकि राजेश पालीवाल ने यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए बस स्टैंड पर दुकानों के बाहर 20 फीट तक किए हुए अतिक्रमण का मुद्दा उठाया। SDOP बोले साइबर फ्रॉड की आशंका हो तो सूचित करें, अगर आम नागरिकों को पुलिस से भी शिकायत हो तो सीधे सूचना दें। बच्चों को स्कूल भेजते समय ये ध्यान रखें कि ऑटो में बच्चों को भेजते समय एक ही ऑटो में 8 से 10 तो नहीं बैठें, इस पर भी नजर रखें। इस दौरान भगवान सिंह गुर्जर, राधेश्याम गुर्जर, सीताराम लहरी सहित बड़ी संख्या में गणमान्य एवं आम नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन थाना प्रभारी आकांक्षा शर्मा ने किया। थे हमारी थाना प्रभारी से, तो इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ पे उनकी कार्यशैली से और हमारे जो थाने का स्टाफ है ओवरऑल अच्छा एक कंट्रोल है उनका, ये बहुत गर्व की बात है हमारे लिए। जहाँ तक है बात छोटी मोटी समस्याओं की, जो रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर, सिर्फ और सिर्फ फास्ट आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़ें राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।